गुड मॉर्निंग, मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग वॉक करने के बाद। मेरी वॉक कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए हमारे सूरज दादा जो हैं वो भी अपने टाइम पे निकल चुके हैं और ये सुबह का व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। बाहर आई हूँ, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके लिए बहुत सारा काम निपटाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन चुका है। अब लंच की प्रिपरेशन करनी है, तो उसकी तैयारी करनी थी। क्या बना रही हूँ उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जो चीज़ें लेनी है पहले मैं ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे घर पे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, आपको दिख रही होगी। गई मैं मार्केट करके, पूरा पसीने से भीग चुकी हूँ मैं। आजकल तो मॉर्निंग में ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, धूप, बापरे बाप, हालत ख़राब। कोई बोलेगा कि सुबह फ्रेश हुई हूँ मैं? जो ना बोलिए, गर्मी शुरू है अपने लेवल पे पूरा। खैर क्या कर सकते हैं, चलिए, गर्मी का काम है गर्मी करना और हमारा काम है अपना काम करना। तो चलिए आज के लंच में कुछ स्पेशल बनाते हैं और क्या बना रही हूँ उसकी रेसिपी भी शेयर करते हैं, उसके बाद आपको नाम भी पता चल ही जाएगा। थक गई, सीढ़ी चढ़ के आती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी रखा है उबालने के लिए, इसमें मैंने तेज़पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाला डाले हैं और उसे उबाल आने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और तब तक यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। सिंपली इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड रख देंगे। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बिरिस्ता बना रही हूँ। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं पानी में। मेरा चावल हो चुका है 80% मैंने पकाया है चावल को। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली तेल डाला है, प्याज, खड़े गरम मसाला, उसको अच्छे से भुना है। जब वो भुन जा रहा है तो इसमें सारे सूखे मसाले, अगेन जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक जाएगा। थोड़ा भुनने के बाद हम इसमें अपना मैरिनेट जो चिकन है उसको मिलाएँगे और अच्छे से भून के चिकन को पका लेंगे। हमारा चिकन पक चुका है, इसे हम लोग छान लेंगे। इसकी ग्रेवी को मैं अलग करूँगी और जो हमारा ग्रेवी है उसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा घी, दूध, दही। नमक मैंने कम डाला था तो मैं यहाँ पे नमक डालूंगी, बिरयानी मसाला और गरम मसाला डाल के इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं थोड़ा अलग तरीके से ग्रेवी की लेयरिंग करती हूँ, तो मैं ऐसे डालती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप चिकन नहीं छानेंगे तो भी चलेगा, बट मैं थोड़ा ग्रेवी वाला बिरयानी पसंद करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से बनाती हूँ। और सिंपली मैं यहाँ लेयरिंग कर रही हूँ। मैंने घी डाला है, थोड़ा सा खड़े गरम मसाला डाल दिए हैं, उसके बाद अपनी जो ग्रेवी है उसे डाला है, राइस, उसके ऊपर से चिकन, बिरिस्ता और फिर उसको मैंने रिपीट किया है। और इसे डाल के मैं केवड़ा वाटर और केसर डालूंगी, थोड़ा सा उसमें कलर भी ऐड है ऑरेंज कलर का, उसे हम लोग दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और बस हमारा बिरयानी रेडी है। और इससे मिलाने के लिए मैंने हबी को बुलाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बना था किसी को देने के लिए भी, तो मुझसे तो ये मिल नहीं पाता, तो मैंने बोला कि आप ही मिलाइए। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा से खिल के निकल रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बिरयानी ट्राई किया और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो बस हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप अपने तरीके से बिरयानी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी। और चलिए अब हबी को टेस्ट कराते हैं। यहाँ पे अंडे के टुकड़े जो है उन्होंने ही कट करके दिए हैं, ये रायता। फाइनली अभी मिल रही हूँ मैं आपसे। आपने देखा मैंने आज बिरयानी बनाया। मैंने इसके बहुत पहले, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, उस समय मैंने चिकन पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो वो चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब एक बार ट्राई किया चिकन पुलाव अच्छा बना है, तो चलो आज संडे है, आज थोड़ा रिलैक्स डे है, तो बिरयानी ट्राई करते हैं। और मैं ऐसे बिरयानी बनाती हूँ, मेरी बिरयानी थोड़ी अलग है, हटके है थोड़ी, क्योंकि मुझे बिरयानी भी थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फ्लेवरफुल अच्छा लगता है। मतलब बिरयानी नॉर्मल माइल्ड होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, बट मुझे, मैं थोड़ा चटपटा खाती हूँ तो थोड़ा स्पाइसी रहता है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। सब अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने चिकन बिरयानी इस बार ट्राई की और होपफुली बहुत ही ज़्यादा अच्छा, टेस्टी, उसका कलर भी आपको देख के लग ही रहा होगा।
और मैंने टेस्ट कराया अभी और वो पास हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, घर की चीज़ें हैं, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं आती हूँ। आपने देखा मेरी बिरयानी में कुछ भी ऐसा बाहर से जो चीज़ ला के डालनी पड़े वैसा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ घी एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी कॉस्टली है मेरी बिहारी मेरे बिरयानी में, तो घी तो पड़ता ही पड़ता है, तो उसको बस मैनेज कर लेना है। घी थोड़ा खुशबू के लिए रहता ही रहता है। बाकी मैंने कोशिश की है कि जो घर में चीज़ें हैं उसी से मैं बिरयानी बनाऊँ, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा तामझाम नहीं लगाया है और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। मैंने बस आलू नहीं डाला है क्योंकि कोलकाता में आप बिरयानी लोगे ना तो आपको वहाँ पे आलू ज़रूर मिलेगा, और मैं तो पटना में भी देखती हूँ कि आलू देता ही देता है, बट मैंने आलू स्किप कर दिया, मैंने आलू नहीं डाला है। आप चाहो तो उसमें आलू भी ऐड कर सकते हो, बट आप ऐसे ही बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खा के। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, और अब मैं भी जाती हूँ लंच करने क्योंकि मैंने भी लंच नहीं किया है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और मैंने लंच भी नहीं किया। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब मेरा मुंह लिटरली जल रहा है, वो जो पता नहीं कौन सी हवाएं चल रही है, पूरा ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं लाल मिर्च पाउडर मुंह पे मसल दिया है किसी ने, इतना ज़्यादा जलने लग रहा है। बट ठीक है, वो तो गर्मी है, होता ही रहेगा, बहुत बुरी वाली गर्मी पड़ रही है पटना में। तो मैं जा रही हूँ अभी लंच करने और उसके बाद अच्छी सी नैप लूँगी, पता नहीं ले पाऊँगी कि नहीं, इतनी गर्मी है। ट्राई करते हैं, कोई नहीं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और हाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा मेरा ड्रेस देख के, मैंने ये ड्रेस चेंज वो ड्रेस चेंज कर दी क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसमें मुझे बहुत इचिंग हो रही थी, इसलिए मैंने कम्फर्टेबल अपना ड्रेस फिर पहन लिया। घर वाला भाई की बॉडी को कम्फर्टेबल होना चाहिए, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि किचन में खड़ा रहना था और ऊपर से गैस का फ्लेम वगैरह तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। अब जाती हूँ मैं लंच करने, अच्छे से नैप लूँगी, उसके बाद मिलूँगा आपसे शाम में। तब तक गुड इवनिंग एवरीवन, शाम हो चुकी है, मैं अभी आपसे मिल रही हूँ बहुत सारा काम निपटाने के बाद। मैंने कपड़ा आयरन कर लिया है और मैंने बेडशीट भी अभी साफ किया था, और इतनी ज़्यादा धूप है, पहले मैंने बेडशीट को क्या किया तो वॉश किया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, ये है वो बेडशीट वाइट वाला, तो पहले मैंने इसे वॉश किया और उसके बाद मैंने सोचा कि कपड़ा आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। कपड़ा आयरन करने के बाद मैं बाहर गई तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो बेडशीट मैंने वॉश करके रखा था वो सूख चुका है, इतनी ज़्यादा धूप है कि मैक्सिमम आधे घंटे हुए होंगे कपड़ा पूरा सूख चुका है। आप सोच सकते होंगे कि इंसान कैसे सर्वाइव कर रहा है इतनी गर्मी में, मुझे हंसी भी आ रही है, ताज्जुब भी हो रहा है, बाप रे बाप इतनी ज़्यादा गर्मी, सडनली ये गर्मी 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बहुत अच्छे से नैप ले ली है, बाहर जाने का प्लान बन रहा है थोड़ा ऐसे ही, आपको पता है कि थोड़ा छुट्टी के दिन जिस दिन मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ थोड़ा बाहर निकलते हैं हम लोग घूमने वूमने जाने के लिए, तो देखती हूँ बाहर निकलती हूँ कि नहीं, क्या है अब उसे देखिए, वो अभी पढ़ाई कर रहा था, देख रहे हैं साइड में खड़ा है, तो देखते हैं बाहर निकलते हैं कि नहीं, और अगर निकलेंगे जैसा होगा जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो बने रही इस ब्लॉग में, मैंने सोचा कि अपडेट दे देती हूँ, उड़ गई हूँ तो, और कुछ एक दो काम है उसको पहले मैं निपटा लेती हूँ। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा धूप है, अभी शाम के 5 बज चुके हैं फिर भी धूप, ये रोशनी देख के आपको समझ आ रही होगी ये बिना लाइट की रोशनी है, ये सामने से जो धूप आ रही है उसकी रोशनी है, पीछे मैं आईने में भी दिख रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, जैसा होगा आपको दिखाएंगे। और शाम की चाय का टाइम हो चुका है और बाहर जाना कैंसिल हो चुका है क्योंकि एक मीटिंग आ गई थी जिसकी वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है, तो हम लोग बाहर घूमने नहीं जाएंगे। और ये मैं आलू के चिप्स लेके आई थी, गाँव गई थी ना तो दी के ससुराल गई थी, तो वहाँ से उनकी जेठान ने दिया था तो मैं उसे ही फ्राई कर रही थी क्योंकि चाय पियेंगे शाम का, उसके बाद मीटिंग में जाएंगे। और ये भी आलू का ही कोई चिप्स है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है यार, तो मैंने इसे फ्राई किया, हम बोले चलो इसे ही टेस्ट करते हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, होपफुली आपको ब्लॉग और रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।